हेलो जी, आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 17 जून, दिन शनिवार, और सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 5 बजे होंगे। और ये देखिए, हमारे यहाँ का नज़ारा बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे तो भी इतनी ज़्यादा चारों तरफ हरियाली नहीं है, यहाँ पानी की कमी की वजह से ग्वार बाजरा भेजा जाता है, तो वो अभी बिल्कुल छोटा छोटा है। लेकिन सुबह सुबह चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट। और पहले तो हमारे यहाँ इतनी कोयल नहीं बोलती थी, अभी तो बहुत ज़्यादा कोयल हो गई। सुबह सुबह हम उठते हैं, उससे पहले ही कोयल बोलना शुरू कर देती है, और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जी, आज भैंसों का नाश्ता पानी हो गया है। भैंस तो घास फूस खाकर खड़ी हो गई है, और हमारा बाकी है, क्योंकि अभी हमारी भैंस घास खाकर दूध देती है, तो हम घास रात को ही डालकर छोड़ देते हैं। और सुबह 4 बजे, 4:30 बजे आँख खुलती है, उसी टाइम इनको कोर पर बांध देते हैं। तो बस इनका खाना पानी हो गया था, तो कटड़ियों को मैंने पानी पिलाकर अंदर बांध दिया, और भैंस घास चरने में लगी हुई थी, तो इसको छोड़ दिया। मौसम आज वैसे काफ़ी अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज काम भी मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट गया, बस अभी यहाँ ठाणों में झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसा है कि फिक्स रूटीन तो हमारी रहती नहीं है, कभी कभी जल्दी काम हो जाता है, भैंसों को लेट सानी डालते थे तो मैं सुबह लगा देती थी। अभी 2-3 दिन से भैंस ने ही रूटीन चेंज कर दी है, ये घास फूस खाकर दूध देती है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम इनको खोर पर बांध देते हैं। तो बस ये झाड़ू वगैरह लगाने का काम पहले की तरह ही, मैं पहले भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध देती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। लेकिन लास्ट काम मेरा यही रहता है ठाणों में झाड़ू लगाने का, गोबर वगैरह का सारा काम निपटा कर फिर मैं मेरा नहाने धोने का काम करती हूँ। तो जी, अभी बज गए हैं 9:30, काम सारा निपट गया है, बस खाना बनाना बाकी है। और मैं बैठ गई थी 5-10 मिनट के लिए, वैसे तो मेरा मन कर रहा था अभी एक कप चाय पीने का, तो 4 दिन मैंने बनाई नहीं, सुबह बस एक बार चाय पी लिया, आज पता नहीं क्या बात है। और मौसम देखिए, हमारे यहाँ आज गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा मौसम रखा है, बारिश का सा। सुबह सुबह एक दो बूंद भी आई थी, कल भी आई थी थोड़ी बहुत बूंद, हमारे यहाँ बूंदाबांदी हुई थी। तो बस 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि खाना चूल्हे पर बना लेते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए सुबह उठते ही गर्मी तो होती ही है, साथ साथ हवा इतनी तेज चल पड़ती है। सुबह का खाना गैस पर, रात का तो वैसे मैं चूल्हे पर नहीं बनाती। क्यों हो गया? तो बस अभी चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं, खाना बनाने में लेट नहीं करते हैं, खाना बना कर रख देते, उसके बाद फिर यह रहता है कि भाई अपना एक दो काम और वो कर लेते हैं। और शायद मौसम की वजह से मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। कितनी मासूम शिकल है तेरी, और हरकतें बहुत खतरनाक हैं इसकी, पूरा दिन निकल जाता है शरारत करते करते, है ना? हाँ, ना दिन में कदे सो कोई, यहाँ सो जा है, सो जा रात में, रात में रात नहीं बिना सोया कर, दिन में सो कोई नहीं, रात की टाल मार, रात नहीं शाम की टाल कर जाए, एलिन बन जाएगा। तो जी चलिए अभी अपना काम देख लेते हैं। 5 साल नहीं सोंगे, 5 साल सोंगे। और ये मैंने बनाया था पनीर, छोड़ दे दे तो दे दे, तू क्या करा इसका, ले पकड़। लिया खोल लांगी, इसने थाली में खोल लांगी। और ये पनीर मैंने इस बार, जैसे मैं जमाती हूँ वजन वगैरह रखकर, वैसे नहीं जमाया था, क्योंकि मैं बनाने वाली थी इसकी भुर्जी, पर अभी बस वही बात है, 2 मन हो गए हैं। पहले तो देख लेते हैं हमारा पनीर कैसा बना है। ना तू ना छेड़ा काला, तू ना छेड़ा, एक पीस, हाँ एक पीस बाद में काट लिए। Sure.
दो कलर हो गए इसके। तो जी ये देखिए, ये पनीर मैंने 2 दिन थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करके तब बनाया था, तो इसका कलर थोड़ा सा अलग है और इसका कलर थोड़ा सा अलग है, ये सफ़ेद है, पर बाद में मैंने दोनों को मिक्स करके जमा दिया। वो भी गिरते हैं। तो जी ये हमारे पनीर के पीस कट हो गए हैं, ये देखिए। और ये थोड़ा सा पनीर मैंने निकाल लिया है, इससे हम बनाएंगे ग्रेवी। तुम पीस काटना था क्या? मैं नहीं देखू था, बैठ इसमें काट ले। दे स्किन से ही पीस कट हो गया है ना, पड़े जाएगा सब्जी में। तो जी ये देखिए, इसके भी काफी अच्छे पीस बन गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि सब्जी में ही डाल लेती हूँ। चना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो जी अभी माँ बेटी दोनों बैठ गए हैं सब्जी की तैयारी करने के लिए। ईशान तो बस पनीर कट कर देता है, वैसे उसको हर चीज़ का यही रहता है, कोई भी काम उसके करने का हो या ना हो उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होता है हर काम में, कि मैं कर लेता हूँ चाहे उससे हो या ना हो, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, चाहे बिगड़ ही क्यों ना जाए। तो बस अभी प्याज वगैरह कट कर लेते हैं, लहसुन छील लेते हैं और ये सारे काम बाहर बैठ कर लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, ये बात मैंने 2-3 बार बोल दी है क्योंकि कुछ दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, परेशान हो गए। तो आज मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो बड़ी खुशी हो रही है कि चलो गर्मी नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। तो अभी प्याज मैंने कट कर ली थी और इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है क्योंकि पनीर बनाने वाले हैं। तो वैसे चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीस कर डालते हैं तो हमारी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। तो बस अभी मैंने प्याज पीस ली है और ये मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं और इसी में मैं थोड़ा सा लहसुन और जो हमने पनीर निकाला था ना वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध या फिर दूध की जो मलाई रहती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती, और कभी कभी डालती हूँ तो फिर इनको बताती नहीं हूँ, तो इसलिए आज मैंने पनीर ही डाल दिया। और इससे हमारी ग्रेवी और भी अच्छी बनकर तैयार हुई थी, और साथ में थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च भी डाल दी है। अदरक अभी गर्मियों में हमारे घर पर नहीं आती है। तो जी ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी, पनीर डालने से इसमें अभी से घी दिखाई देने लगा है। और अभी दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, साथ साथ मैंने दाल को रख दिया था गैस पर बनने के लिए, और दाल मैं हमेशा वही बनाती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह सब दाल में डाल देती हूँ। ये वाली दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और हमारा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस सारी चीज़ें हम कुकर में डालकर और सीटी लगवाने के लिए रख देते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर हारा में भी बना लेती हूँ, अंडे में भी, पर अभी बाहर मौसम कुछ ऐसा हो रखा, हवा ज़्यादा चल रही है तो बस मैंने गैस पर ही रख दी थी। तो अभी दाल में लगा लेते हैं तड़का। सिंपल मैंने 2 लौंग डाली हैं कूट कर, थोड़ी सी हींग, 1 तेज़पत्ता, 2-3 हरी मिर्च, बस। चना दाल बनाएं तो उसमें स्पेशली लौंग और हींग दोनों चीज़ें ज़रूर डालें। 1 चम्मच डाल दिया जीरा, और तड़का मैंने सरसों के तेल में ही लगाया, तो तेल को गर्म करके फिर बिल्कुल ठंडा कर लिया, और उसके बाद फिर ये हमारा सिंपल सा तड़का तैयार कर दिया। अभी इसमें डाल देंगे ये दाल और कुछ देर के लिए पका लेंगे, और लास्ट में डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। और चना दाल या कोई भी दाल हम बनाते हैं तो उसमें हरा धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी गर्मियों में हमारे यहाँ हरा धनिया बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता भी है तो थोड़ा बहुत।
और कुकर में मैं चढ़ा देती हूँ चावल। तो मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए थे और 3 कटोरी पानी डाल दिया है। पहले मैं जैसे खिलमा चावल बनाते हैं हम, तो ऐसे ही डाल देती थी पानी। तो मुझे लगता था कि ये कुकर अच्छा नहीं है, इसमें अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं होते थे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर कुकर में पानी ऊपर से निकलने लगता है। तो बस अभी जैसे हम खिलमा चावल बनाते हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। जितनी हमारे चावल होते हैं डबल पानी डाल देती हूँ, तो पानी ऊपर से बिल्कुल भी नहीं निकलता और चावल भी हमारे काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो जी बस अभी दाल और चावल तो बनकर तैयार हो गए हैं और अभी पनीर को मैं कर लेती हूँ फ्राई। बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई किया है मैंने। जैसे हम आलू मटर वगैरह बनाते हैं ना, आलू मटर नहीं सॉरी मटर पनीर बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो वो सब्ज़ी अच्छी लगती है। लेकिन अकेला पनीर हम बनाते हैं तो बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई करते हैं। तो जी बस अभी पनीर को फ्राई कर लिया और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया जीरा, 2-3 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता डाला था। बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाया है। हल्के से भुनने के बाद फिर मैंने डाल दी प्याज, और प्याज को भुनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और मैं बनाने वाली थी खाना चूल्हे पर ही, पहले मैंने सारा सामान चूल्हे के पास ही रखा था, लेकिन फिर कोई आ गया, बातें करने में मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया, तो फिर सारा सामान मैं अंदर उठा कर लेकर आई हूँ। सारा खाना गैस पर ही बना कर तैयार किया था। तो जी प्याज मेरी भुन गई थी, उसके बाद फिर मैंने डाल दी इसमें टमाटर और साथ ही डाल दिया 1/2 चम्मच नमक। और अभी टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो जी ये देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी इसमें हम डाल देते हैं मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। बस यही मसाले डाले, बिल्कुल सिंपल मसालों से मैंने ये सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इसमें हम लौंग, इलायची, बड़ी इलायची वगैरह डालेंगे। पनीर वैसे ही गर्म होता है तो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म तासीर हो जाती है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। अभी मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और वीडियो में तो दिखाई नहीं दे रहा है, पनीर डालने की वजह से इतना रिच फ्लेवर आया था ग्रेवी का कि ऊपर ऐसे घी आ गया था। तो बस अभी मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए थे, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया पानी और अभी पानी में उबाल आने देते हैं। और तब तक मैं ये आटा गूंथ कर तैयार कर लेती हूँ। वैसे आटा रितिका ने गूंथ दिया था, इसको मैंने अच्छी तरह से मथ लिया है। पूरी का आटा रितिका बहुत ही ज़्यादा अच्छा गूंथती है, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा से नरम आटा गूंथने की, तो मैं चाह कर भी इतना ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंथ पाती हूँ। रितिका गूंथती है बहुत ज़्यादा सख्त आटा, तो पूरी बनानी होती है और ये घर पर रहती हैं तो मैं इसी को बोल देती हूँ आटा गूंथने के लिए। और साथ में मैंने बूंदी का रायता तैयार किया। आप सबको पता है जो रेगुलर व्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मुझे बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, और गर्मियों में लगभग मैं कोई ना कोई रायता बना ही लेती हूँ डेली सुबह के खाने में। तो बस इसमें सिंपल वही 2-4 मसाले डालकर मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। वैसे तो मैं लस्सी सुबह ही फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ठंडी ठंडी लस्सी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो जी आप सबसे बातें करते करते पानी में उबाल आ गया था और अभी इसमें डाल दिया पनीर, ढककर थोड़ी सी देर के लिए हम और पका लेंगे हमारी सब्जी को। वैसे पनीर की सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाते हैं, बस 7-8 मिनट के लिए और पका लेंगे, वो भी धीमी आँच पर। और एक तरफ मैंने रख दिया तेल गर्म होने के लिए, और तब तक झटपट पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। मौसम चाहे चेंज हो जाए, पर सर्दियों वाला मौसम नहीं है, गर्मी तो किचन में होती ही है। तो जी ये देखिए सब्जी अभी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और अभी तेल गर्म हो गया है कढ़ाई में, तो पूरी और बना लेते हैं। मगे को थी मुँह को थी एक पैकेट बूंदी का लिया भाजी का। तो जी अभी पूरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हूँ, और बच्चों का कुछ दिन से ऐसा ही चल रहा था कि खाने में हर रोज़ भिंडी और ऐसी ऐसी सब्जी बना लेती हैं मम्मी, तो जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करके 2 दिन इनके लिए पनीर बनाया और फिर ये स्पेशल सा ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार किया है, क्योंकि गर्मियों में लस्सी भी ज़्यादा ज़रूरी रहती है, लस्सी के बगैर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन पनीर जमा लिया था। तो बस अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। मटर पनीर की सब्जी है, साथ में दाल है, बूंदी का रायता है और चावल हैं। अभी झटपट गरम गरम पूरियां निकाल लेते हैं। गर्मी हो या सर्दी, पूरियां तो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं। स्पेशली रितिका और शांत को गरम गरम पूरियां बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये थाली मैंने इनके लिए ही लगाई है, क्योंकि ये तो अभी तक खेत से आए ही नहीं थे, तो बस मैंने दोनों बहन भाई के लिए थाली तैयार कर दी है। पहले मैंने ऐसे थाली लगाई थी, उसके बाद रितिका ने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, क्योंकि इसने प्याज का सलाद बनाया था, और ये वाला सलाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपल प्याज, उसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक वगैरह डाल लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो जी थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज मैंने बच्चों की फेवरेट थाली बनाकर तैयार की है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और सुबह बस वो लोग खाने तक ही कंप्लीट हो गया था, उसके बाद तो मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं। आज पूरी वगैरह खा ली थी तो खाना वाना खाया, बर्तन साफ किया और उसके बाद सो, फिर उठे शाम को 4 बजे, फिर वही अपनी डेली की रूटीन शुरू हो जाती है। आज वैसे काम मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट गया है, खाना तो मुझे बनाना नहीं था, बस रोटियाँ बनानी थी, तो वो काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया। और शाम को फिर कभी कभी हम थोड़े बहुत गप्पे मारने लगते हैं, तो आज का मेरा दिन कुछ ऐसा ही रहा। और ये देखिए ईशांत खाना खाने के बाद आज अंदर सो गया है, ये खाना खाने के तुरंत बाद सो जाता है। अभी इसको बाहर से लिए, ठंडी ठंडी हवा, बड़ा ही अच्छा मौसम हो रखा है, गर्मी नहीं है बिल्कुल, बस 2 दिन से मौसम तो ऐसा हो गया है कि गर्मी नहीं हो रही है, 3-4।